लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ये कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि एक बाउंटी हंटर की जिंदगी का एक और जबरदस्त दिन है शायद। चलो देखते हैं हालात क्या हैं। एक गैंग लीडर, चेक। मेरे सर पर गन तनी हुई है, चेक। हम एक वीरान वेयरहाउस में हैं, परफेक्ट। और हाँ, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, तो इसका मतलब आज फ्राइडे है। क्या आज फ्राइडे है? प्लान ये तो काम कर रहा है। मुझे वाकई कमाई का कोई नया जरिया ढूंढना होगा। इस नौकरी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब परेशानी की बात निकली है तो सामने जमीन पर पड़ा वो शख्स चेज है, मेरा पार्टनर। मुझे यकीन है अगर वो बेहोश ना होता तो मुझे बचाने की कोशिश करता या कम से कम कोई फनी बात करता। ये है रिडली, जो हमारा बॉस है। ये चेज की तरह फनी तो नहीं है, पर इस वक्त मुझे मौत के मुँह से सिर्फ यही निकाल सकता है। या तो हम एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहें और बेवकूफों की तरह एक दूसरे को खत्म कर दें, या फिर एक स्मार्ट तरीका भी है, तुम पैसा ले लो। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। क्या कहा? मैं या तो जाऊंगा जेल या मारा जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से निकलूंगा नोटों से भरा वो बैग लेकर, ताकि तुम लोग एक दूसरे को खत्म करो। मैं ऐसा ही करूंगा। मारियो! बैग को छुआ तो समझो लड़की गई। आगे बढ़ो और गोली मार दो लड़की को। मारियो, तुम हालात को बदतर बना रहे हो। प्लीज डोंट वॉच मी। अभी तक कितने हुए हैं? 4। 4? हाँ। Oh my God, लगता है 20 reps हो चुके हैं। अभी बस एक ही मिनट हुआ। मैं लोगों से कहूंगा कि मैंने 20 reps किए हैं। हाँ, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रिस्ट में दर्द हो रहा है, मैं तो गया। Oh God. That's it? Yeah. Okay. हाँ, इससे ज्यादा मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। Impressive. चोट लगी। Impressive? हाथ पर चोट लगी है। You ready? All right, let's go. बैग पर किक करो, मुझ पर नहीं। ध्यान से। Hey, क्या हाल है? Hey, good. How are you? Very good, thank you. कहिए। मैंने आपके फिटनेस पैकेजेस चेक किए और मैं सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पे ज्वाइन करूँ। Okay. Hey, देखो वो यहीं है। Okay, क्या करना चाहती हो? उसे मैं हैंडल करूँ या तुम करोगी? तुम कर लोगे? हाँ, लगता तो है। तुम जाओ तो पंचिंग बैग पर किक करती रहो, या फिर तुम जाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करो, मैं पीछे से आकर उसे पकड़ता हूँ। ओके? ओके। Hey, nice set. Thank you. Are you Mac Plant? इतनी इंक्वायरी किस लिए? Jules Taylor, bail enforcement agent. मेरे साथ आना पड़ेगा मिस्टर प्लांट। आना पड़ेगा अपन को? बिल्कुल नहीं आता। अच्छा ट्राई मारा। और तू कौन है? मैं इनके साथ हूँ। जकास। हाँ तो ठीक है, ये बता अब करना क्या है? तुझे अंदर करना है, और क्या? बहुत बढ़िया। सचमुच मजा आ गया। तो तू मदद करेगा इसकी? अगर जरूरत पड़ी तो। श्योर, व्हाई नॉट। और तू ऐसा करेगा कैसे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? कुछ कर पाएगी तू? Come on.
मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 6 महीने के लिए आपके पास कोई नंबर है? नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। नंबर नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे 2 मिनट में यहाँ से निकलना है। फिटनेस असेसमेंट के लिए आवाज सुनी आपने? कुछ आवाज आई ना? नहीं कोई आवाज नहीं है, सिर्फ वेट्स की आवाज लगती है कुछ। या एनीवे तू मेरे साथ चल रहा है। कोई लॉक्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, राइट? नहीं नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और कोई बैंक इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए? नो। और कोई डिटेल्स भी नहीं चाहिए? हां सर, आपको सिर्फ आईडी की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन? मैं आती हूं, बस अभी आती हूं। गुड जॉब। दे इसको एक। ओ माय गॉड, हेल्प करने के लिए थैंक्स। वेट मारना था ना, चारों तरफ तो है। गुड जॉब चेस, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो सब ठीक रहा? यस बॉस, ये है पेपर वर्क। गुड न्यूज़, एक और बंदा पकड़ना है हमें। उसका नाम है पीटर वॉलेस, अपनी गर्लफ्रेंड के घर छुपा है और एड्रेस मेरे पास है। ओह गुड, क्या बात है, लगता है आज रात खूब माल बनाएंगे। हाँ, एक रात में 2 बाउंटीज। आज रात नहीं गाइस, मुझे काम पर जाना है। अच्छा, तो ये काम हम दोनों कर लेंगे और पैसे 50-50? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात पक्की? हम इस तरह से काम कभी नहीं करते। यस चीज, तीनों साथ करेंगे वरना नहीं। तुम्हें नौकरी से तो निकाल ही देंगे, तो हमारे साथ आके कुछ पैसे क्यों नहीं बना लेती? बात में दम तो है। हाँ बिल्कुल है, मेरी यार बात में दम होता है। ओके, पहले तुम लोग जाके चेंज करो, फिर उसको पकड़ते हैं। लेट्स गो। ओके डन। पीटर वॉलेस, बेल एनफोर्समेंट एजेंट्स, दरवाजा खोलो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुजरिम एक बार आके अपना दरवाजा खोले, बस एक बार। ये तो खोलेगा नहीं, मैं अपने तरीके से खोल देती हूँ। पीटर वॉलेस, बेल एनफोर्समेंट एजेंट्स, कम आउट। पीटर वॉलेस, हट जा मेरे पीछे से। मेरे घर में घुसा कैसे? निकल मेरे घर से बाहर। इसकी फिक्र मत करो। क्या सिचुएशन? शूटर उधर हॉलवे में है। और ये? ये तो कंट्रोल में है। तुम ठीक हो? काइंड ऑफ। ये कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर से दफा हो जाओ। बस कर अब पीटर। ए ब्यूटीफुल, गनशॉट की आवाज अजीब सी है, कौन सी गन है इसके पास? तुम जैसे कुत्तों के लिए खास है। चुड़ैल साली। ए, तुम मम्मी को जाने दो। अबे ओ, हम तीन हैं और तीनों के पास गन है, अब तू बच के दिखा। उसे कुछ मत करना। बहुत हुआ, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भेजा उड़ा दूंगा। चुप हो जा मिमी, इन गधों को कुछ मत बताना। 3, 2। वो एक टॉय गन है, उससे किसी को चोट नहीं पहुंचेगी, छोड़ दो उसे। साले नौटंकी कमीना। अच्छा ठीक है पीटर, अब मेरी बात सुन। तेरा खिलौना नीचे रख और हाथ ऊपर करके बाहर निकल, वरना मैं तुझे शूट कर दूंगी। अब सोच ले। गन को नीचे रख दो। साली अपना काम कर घटिया औरत, पांडू समझाए क्या? इसने मुझे घटिया कहा तो। तू तो गई। छोड़ मुझे, छोड़ 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 मुझे साली, छोड़। चुपचाप बैठे रहो नीचे। बस करो, इसे कितना मारोगे? चुप कर, ये कुछ नहीं कर सकते। बेबी, ये तुम्हें शूट करने वाले थे। ऐसा कहा था मैंने? आओ चलो, अभी इसे जेल में ले जाते हैं। ओके ठीक है, अपना जूता हटा मेरे ऊपर से। और इस ब्यूटी का क्या करें? ऐसे ही यही छोड़ देते हैं। पीटर जेल में नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेगा क्यों पीटर? तेरी बीवी भी तो वहीं पर होगी ना। ओ
तेरी, तुम स्ट्रिप क्लब में काम करती हो? सही समझा तो। चलो वैन में बैठो। ओह कम ऑन, बस एक चुपचाप वैन में बैठो। बारटेंडर हूं मैं यहाँ, और हमने फैसला किया है कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए ड्रग्स नहीं बेचेंगे। अच्छा आइडिया है ना? गुड नाइट गाइस। गुड नाइट जूल्स। और तू जेल में खूब मजे करना, ओके? ऐश कर। तू भी चलना मेरे साथ। चलना तू। एक तो पी लेते हैं। ड्राइव। पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कहा ना चलो। ठीक है। लॉटरी टिकट्स। एक मिनट, मैं इसका पेपर वर्क कर रहा हूँ। ए सुनो प्लीज, वो टॉय गन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो मेरी बेवकूफी थी शायद। प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज। एक बार देख। अरे सुनो यार, मैं भी करोड़पति बन सकता। मैं फिर से जेल में नहीं जाना चाहता। मैं वहां नहीं रह सकता। क्या तुम्हें पता है वहां पर दूसरे कैदी क्या क्या करते हैं? रेडली एक बार देख तो लो ना। अपनी ये लॉटरी हमेशा की तरह कूड़े में फेंक दो। आओ, आ, ये क्या कर रहे हो यार? Come on guys, पैसे ले लेना। अपनी चोंच बंद कर, हमको जरूरी काम कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं, हमेशा की तरह हार गए। Damn it, मुझे लगा इस बार मैं जीत जाऊंगा। सुनो तो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। ऐसी बात हम कई बार सुन चुके हैं वॉलेस। मैं ये काम बरसों से कर रहा हूँ। हमारी दिलचस्पी वाला कौन सा ऑफर देने वाले हो तुम? 1,00,000 लोगे? इतना काफी रहेगा? तुझे कहा ना तू अपनी चोंच बंद रख। मैं एक बड़े बकरे को जानता हूँ, तुम्हारा जुगाड़ हो जाएगा 1,00,000 का। सुना तुमने 1,00,000? अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बता दूंगा कि वो कहाँ है। क्या कर रहे हो तुम? चेक कर रहा हूँ कि ये सच बोल रहा है या फिर झूठ। हाँ पता है, उसका नाम है मारियो एंटोनियो। तुम ड्राइव करो, मैं देखता हूँ। क्या पता चला? हाँ क्या पता चला? देख रहा हूँ। हाँ ये सच कह रहा है। तुम क्या जानते हो पीटर? कोई बकवास कहानी मत सुनाना। पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट में आ जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही वक्त है। ओके चलो शुरू करो। ओके, इस लड़की को मैं जानता हूँ। हम टाइम पास क्या करते थे, मैंने उस लड़की को स्मैक दिया था और बदले में मुझे भी कुछ मिला था, समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। हाँ थैंक्स। एनीवे जो वो मुझसे पिछली बार मिली थी, वो बहुत गुस्से में थी। वो शहर के बाहर एक मसाज पार्लर में काम करती है, और उसने मुझसे कहा कि एक बंदा वहाँ सबसे छुप कर रहने आया है। वो उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वो शराब पीकर तमाशा करता था और उसने सारे क्लाइंट्स को भगा दिया। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उस पार्लर की मालकिन के साथ खूब रंगरलियां मनाता था। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी खत्म करो। ओके, उसके शरीर पर एक टैटू है, इट्स अ क्रेजी कलाब्रिया या कुछ और। वो एक ऐसी जगह है जहाँ कई इटालियंस आते हैं मस्ती करने। मुंह संभाल कर बात कर, मैं भी आधा इटालियन हूँ, समझा? ओके एनीवे, वो टैटू उसके लेफ्ट आर्म पे। हे तुम्हें कैसे पता? हाँ बॉस, आपको कैसे पता? दैट्स राइट हियर। रेडली खूब माल कमा सकते हैं। हाँ। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर पुलिस फोर्स को इस बारे में पता चला तो तुम्हारे एप्लीकेशन का क्या होगा, कुछ सोचा है? मेरी एप्लीकेशन की फिक्र मत करिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं। और अगर इसने मुंह खोला तो ये गया काम से। नहीं मैं अपना मुंह बंद रखूंगा,
सच में? देखा मैंने कहा ना ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। पीटर ये तुम्हारे कोई चाल तो नहीं है? नहीं कसम से, कसम से। हे कम ऑन गाइस, क्या कहते हो? कम ऑन रिडली, क्या कहते हो बोलो। अगर हमें ये करना है तो जूल्स भी हमारे साथ होगी। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो चले। ओ बढ़िया। yeah! चलो चले। जेंटलमैन ये मत भूलिए कि स्टेज पर जो हसीनाएं हैं वो वीआईपी एरिया में प्राइवेट लैप डांस के लिए अवेलेबल हैं। हे गाइस, ये रही तुम्हारी ड्रिंक। अबे यार। हे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दोस्त उसे मना लेगा? देख सिर्फ वही उसे मना सकता है, और शायद तूने ध्यान नहीं दिया कि उनके बीच कुछ चल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है चलकर उसकी हेल्प करें? अबे देख तू कहीं पे नहीं जा रहा है, और अगर हमें पता चला कि तू हमसे बकवास कर रहा था तो मैं पहले तेरा मुंह तोड़ूंगा और तू जाएगा सीधा लॉकअप के अंदर। एक सौदा 1 लाख के लिए? Are you guys crazy? पागल मत बनो, ऐसा तो हम रोज सुनते हैं। इसकी कहानी सच है? हाँ बिल्कुल जूल्स। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ इस बारे में बात करनी चाहिए। वैसे वो बंदा है कौन, 1 लाख के लायक भी है? वो किसी गैंग में है जिसने लाखों कमाए, अब कड़का हो गया तो अपनी आइटम के किसी मसाज पार्लर में रहता है, यही बात है ना? हाँ हाँ। तो और हमें इस गधे पर यकीन करना है? इसके पहचान की एक लड़की जो वहाँ काम करती है माड़ियों को देख चुकी है। काम तभी होगा जब तीनों साथ होंगे। That's great. Jules, क्या सोच रही हो? फैसला मुझ पे छोड़ना गलत है, ओके? वैसे भी एक बाउंटी के लिए दूसरे को छोड़ना इलीगल है, और ये तुम जानते हो। जानता हूँ जूल्स, लेकिन जरा सोचो, अगर सब कुछ सही रहा तो सोचो हमारा कितना फायदा होगा। तुम सोफिया के लिए कुछ कर सकोगे और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। लिसन, हम एक बार जाकर देखते हैं, अगर हम उस बंदे को आसानी से उठा सकते हैं तो फिर क्यों नहीं। हाँ, हाँ यही वो जगह है। You sure? ये जगह तेरे लेवल से थोड़ी ऊंची है। मैं शायद यहाँ पहले आ चुका हूँ। Surprise, surprise। लगता अंदर काफी लोग हैं। हाँ। मजाक कर रहे हो, ये सबसे बिजी टाइम होता है। जूल्स, अपनी गन रिलोड करो। क्या रिलोड? हाँ, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि किसी मासूम को गोली लग जाए। वैसे तेरी टॉय गन भी काम आ सकती है। जब हम अंदर जाएंगे जहाँ कई लोग यूं ही खड़े होंगे, हम में से एक ब्लैंक बुलेट से अपनी गन लोड करेगा ताकि हम खूब शोर मचा सकें। भीड़ कंट्रोल करना आसान है। जरूरत पड़ी तो मैं असली गन लेकर रहूंगा ही। ओके, तुम दोनों, मैं चाहता हूं कि तुम उसके चेहरे और टैटू को बड़े गौर से देखो। प्लान समझ में आया? हाँ, चुटकी में कर लेंगे ये हम। लेट्स डू इट। ओके। Welcome to the lounge. How can I help you? All right, मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए 3 या 4 hot non-English speaking लड़कियाँ, और अगर Asians हैं तो मैं उन्हें prefer करूँगा। ये मेरी girlfriend है जो लोगों की मौजूदगी में काफी ज़्यादा nervous हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ बैठकर मुझे mask पहनकर खुद के साथ ऐश करते हुए देखेगी। मेरा boyfriend थोड़ा nervous हो जाता है, sorry. हम बस चाहते हैं कि अगर कोई हमें join कर सके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन चाहिए, एक आदमी या फिर औरत? एक औरत। आदमी पसंद है। तुम्हें इस बात को राज रखना चाहिए था। 6-7 बाद मर्दों के साथ मेरा नेचर जरा दोस्ताना हो जाता है, और मैं खेलता हूँ जूनियर हॉकी। मेरा मतलब, तुम समझ रही हो ना, तुम भी ज्वाइन करना चाहोगी? मेरे पास कूपन्स है। आप मेरे साथ आ सकते हैं प्लीज। ऑल राइट, अब काम पर लग जाते होंगे। और लड़कियों के उस ग्रुप के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि ये सब मुझे बहुत अजीब लगता है। पीटर ने कहा था यहाँ एक ऑफिस है। बिंगो।
लगता है किसी ने इस जगह को अपना घर बना लिया है। शायद पीटर सच कह रहा था। वेल, इतनी जल्दी खुश मत हो, पहले कोई आईडी वाईडी ढूंढो। hey, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मैरियो, हाल ने तुम्हें भेजा है ना? तुम लोग मुझे नहीं ले जा सकते, किसी भी हालत में नहीं। तुम्हें क्या हुआ मारियो? फंसा दिया तुमने मुझे। रुको, उन्हें रोको। आप पीछे हट, समझा? हाय। अब बस कर, फेस पे तो मत मार यार। तूने कभी हॉकी खेली है क्या? हाँ हॉकी। हॉकी, चल फिर खेलते हैं। बहुत हो चुका, अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद सो जाओ। हाँ, मैं तुम्हें वो पंच मारूंगा जिसके लिए मैं मशहूर हूँ। चाहे तो कोशिश करके देख ले, तो तेरे भेजे कितने सारे टुकड़े करूंगा कि कोई गिन भी नहीं सकेगा। अब तुम जा सकते हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लिए फोन है। मैंने कहा था ना, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम बिल्कुल मेरी बीवी की तरह हो। उन्होंने कहा कि ये मारियो के बारे में है। बेटी के साथ वेकेशन जाऊंगी। एक छोटे फ्लैट का डाउन पेमेंट, एक नई वैन ले लेंगे। ओह कम ऑन, इस वैन ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो तुम लोग बाउंटी हंटर्स हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरी एक बात सुनो। हे, तुम लोग मुझे अभी जाने दो और $1,00,000 मैं तुम्हें दूंगा। ओ, अच्छा? I'm serious. तेरे पास पैसे होते ना मारियो, तू एक अय्याशी के अड्डे पर सोफे पे नहीं सो रहा होता। एक बात बताओ, आज ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से। Oh, you know what? मार्टीज जाते हैं, एक नया पैनकेक है वहाँ। नहीं, किसी ढाबे पे चलते हैं, पराठे खाएंगे और लस्सी पिएंगे। Let's go. तुम बेवकूफों को पता नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके, तू पिंजरे में बंद है और हम सोच रहे हैं कि $1,00,000 कैसे खर्च करें। ठीक है मारियो, हम इडियट्स हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे कोर्ट तक पहुँचने नहीं देंगे। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, वो मुझे मार देंगे और उनको भी जो उनके रास्ते में आएगा। अच्छा, और कौन है वो लोग? क्या उन्हें पैनकेक्स पसंद है? क्योंकि चेस खरीदने वाला है। रेडली, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? प्राइवेट नंबर? इट्स हिम। हेलो, क्या तुम उन मामूली से बाउंटी हंटर्स में से एक हो जिन्होंने कुछ देर पहले एक मसाज पार्लर को रेड किया? कौन हो तुम? ये नंबर कहाँ से मिला? मैं हूँ हाल लंबीनो। स्पीकर फोन ऑन कर दो। वो ऑन है। गुड। मारियो, तुम वहां पर हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं यही हूँ बॉस। इट्स नथिंग पर्सनल मारियो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी गंदी जबान खींचकर बाहर निकालने के लिए बेताब हूँ। ओह, तो ये पर्सनल बिल्कुल नहीं है। उसके सर पर कितने का इनाम है? $1,00,000। अब सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन आज रात तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। सुनो, मारियो को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। उसे जेल मत लेकर जाओ, आज रात उसे मेरे हवाले कर दो।
मैं तुम्हें एक एड्रेस और टाइम बताऊंगा, वहां आ जाओ और $10,00,000 ले जाओ, बदले में मारियो दे जाओ। ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो, नहीं हो सकता? कहा ना मैंने, नहीं हो सकता। लगता है तुम्हें और तुम्हारी टीम को सलाह मशवरा करना है। कर क्या रहे हो तुम? क्या हुआ, पागल हो गए तुम? तुमने $10,00,000 का ऑफर ठुकरा दिया, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तुम दोनों लड़ना बंद करो। कहाँ जा रहे हो अब तुम? सोचने। अरे अब क्या सोचना है, पूरे $10,00,000 की बात है। हाँ, लेकिन हाल लमीनों से वो इसे जान से मार देगा। इसने काम ही ऐसा किया है, क्या इसे जिंदा रहने का हक है? कम ऑन, $10,00,000 का सवाल है, हमें बस इस गैंगस्टर को उस आदमी के हवाले करना है। तुम ये कर सकते हो? $10,00,000 के लिए किसी को मौत के मुंह में ढकेल सकते हो? मुझसे तो ये नहीं होगा। जानता था कि तुम उसका ही साथ दोगी। ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या हो, पर कम से कम इसकी मौत का बोझ तुम्हारे, मेरे या फिर रिडली के सर तो नहीं होगा। इसने सही कहा। नहीं, ये सही नहीं है। इस साले गैंगस्टर ने जिंदगी में ऐसे घटिया काम किए हैं जिसकी सजा सिर्फ मौत है, तो फिर हम इस साले को क्यों बचाएं, बोलो? देखो, बात सिर्फ सही और गलत की है। ओ, फिर वही बात, सही गलत, तुम्हारे मुताबिक या मेरे या जूल्स के? सही वो है जो हम तीनों को सही लगे। हाँ, और तुम्हारी पुलिस फोर्स के एप्लीकेशन का क्या होगा? हाँ, अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? देखो, मेरी एप्लीकेशन की फिक्र तुम मत करो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित नहीं भी कर पाया तो सिर्फ शक भी तुम्हारा काम बिगाड़ देगा। काम बिगड़ चुका है, अब ये देखो कि काम कैसे बिगड़ा है। डियर मिस्टर थॉमसन, वी आर रियली सॉरी टू से दैट आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर हम आपको मेट्रोपॉलिटन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन नहीं दे सकते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, ब्ला 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 ब्ला। अगर वो गैंग इसे अभी नहीं पकड़ पाया तो बाद में वो लोग इसे जरूर खत्म कर देंगे। चाहे जो कुछ कर लो, मारियो को मौत से नहीं बचाया जा सकता। इट्स नॉट दैट क्रेजी ऑफ एन आइडिया। तो जो कुछ भी कल होना है उसे आज होने देते हैं, रातों रात हम तीनों की जिंदगी बदल जाएगी। इसमें गलत क्या है? उन बाउंटी हंटर्स के बारे में कुछ बताओ। वो तीन लोगों का ग्रुप है, सबसे छोटा पुलिस वालों के परिवार से है। उसने कई बार पुलिस में शामिल होने की कोशिश की लेकिन हॉकी खेलते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक बेहतरीन ऑफिसर बन सकता था वो, लेकिन उसे फोर्स में नहीं लिया गया। वो लड़की, उसकी खूबसूरती के झांसे में मत आना, मैंने खुद देखा है, वो कई लोगों पर अकेली भारी पड़ सकती है। मुझे उसके बारे में बताओ। वो रिडली, मोहल्ले का हीरो, वो गरीब बच्चों को मुफ्त में कराटे सिखाता है, मिडनाइट बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी करेगा। पर क्यों? ठीक से तो नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूं उसके मुताबिक कुछ साल पहले उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट हुई थी, मेगन नाम था उसका, और उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक रात वो एक कन्वीनियंस स्टोर में थे, वहां एक चर्सी लूटपाट करने आया, इस वजह से फायरिंग हुई और वो मारी गई, और वो चर्सी सजा खत्म होने से पहले ही भाग गया। पर वो हैं तो मामूली से बाउंटी हंटर्स ही। आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। और कहा, तुमने एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला किया है, बढ़िया। पहले मैं इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं समझाता हूं। ओके मिस्टर लैम्बिनो, पहले देखते हैं कि मुझे क्या पता है। वो बाउंटी हंटर्स अचानक मेरे सामने आए और तुम पकड़े गए थे
बच्चों को ड्रग्स की छोटी पुड़िया बेचते हुए, और वो भी एक मॉल में। उसके बाद तुम जेल से भाग गए, तो मैं ये तो समझ सकता हूं कि अगर कोई पकड़े जाने की बेवकूफी कर सकता है तो वो भागने की भी बेवकूफी कर सकता है। नहीं, मैं बस मैं। और फिर तुम पकड़े गए उन बाउंटी हंटर्स के हाथों एक बार फिर से, पर नहीं, तुम वापस जेल नहीं जाना चाहते। और तब तुम्हें ख्याल आया कि क्यों ना मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हारा पुराना साथी किस जगह पर छुपा है। मुझे बताना पड़ा, नहीं तो वो मुझे जेल भेज देते। और इसीलिए मुझे उन बाउंटी हंटर्स को $10,00,000 देने पड़ेंगे मारियो के बदले में। मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सीधे उसे पुलिस के पास ले जाएंगे और वो कमीना मुझे अंदर करा देगा। मैं सही कह रहा हूं ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके आदमी हालात संभाल लेंगे। ओके। क्या तुम्हें यह पता है कि अपनी जान छुड़ाना किसे कहते हैं? नहीं, नहीं पता। यह एक सोशल फिनोमेना है जहां एक ग्रुप में से कोई भी आदमी सही काम करने का जिम्मा नहीं उठाता। वो बस मान लेते हैं कि यह काम कोई और आदमी करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी दूसरे आदमी के घर में जबरदस्ती घुस जाता है। ओह गॉड, काफी गर्मी है, पसीना आ रहा है। ओके, तो ये आदमी उसे पीटना शुरू करता है, मेरा मतलब बुरी तरह पीटता है। सारे पड़ोसी सब कुछ सुन पाते हैं लेकिन कोई भी फोन उठाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? इसे कहते हैं अपनी जान छुड़ाना, समझे? और हां, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके, तो ऐसी सिचुएशन हो तो दो चीजें हो सकती हैं। एक, कोई भी आगे बढ़कर सामने नहीं आता और वो आदमी मार दिया जाता है। या फिर एक नेक फरिश्ता, जिसके चांस बहुत कम है, एक नेक फरिश्ता फैसला करता है फोन उठाकर पुलिस को बुलाने का। तो अब बताओ, इस सिचुएशन में मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता, शायद वो जो फोन उठाता है वो। नहीं, मैं वो हूं जो घर में जबरदस्ती घुसा था। ओह गॉड, उसने फ्रांसिस को भेजा है। चला, बाहर निकल। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। डिक्की से पैसों का बैग बाहर निकलेगा और इसे डिक्की में डाला जाएगा। लेट्स गो। तुम इसकी मौत क्यों चाहते हो? क्या ये बताओ, तुम मारियो की मौत क्यों चाहते हो? यूं समझ लो कि मेरा बॉस एक सेफ खिलाड़ी है। ओके, खतरों के खेल में एक सेफ खिलाड़ी कमाल है। डायलॉग अच्छा मार लेते हो। अपनी रकम उठाओ और इस कमीने को डिक्की में डालो। नो। ओह, बैक ऑफ हनी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। उसकी तरफ से पिस्टल हटाओ तुम। वो 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 गाइस गाइस वो। ये गलत जगह पे क्यों लात मारते हैं यार? मैं ठीक हूँ, मारियो का पीछा करो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मारियो, अब चलो डिक्की में। बिल्कुल नहीं फ्रांसिस। ओह नो जूल्स, एक कदम भी हिलाया तो तुझे उड़ा दूंगा, समझा?
कोई मेरी मदद कीजिए प्लीज। लेकर आओ जल्दी, इसका कार एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं होगा जूस, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सर आई एम सॉरी, आपको यही रुकना होगा। ओके, ये रहा उसका सामान, सारी इन्फॉर्मेशन उसी में। सर सर आपको ये फॉर्म्स भरने होंगे। सर ये मेरा कार्ड है, कोई भी काम हो तो मुझे कॉल करना। निकलो यहाँ से। मैं यहीं नहाता धोता और सोता हूँ, दफा हो जाओ तुम। तो बैठे रहो। पुलिस वाले हो? या तो यहां से निकलो या चुपचाप बैठो, मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। हेलो, मैं बोल रहा हूं। तुम्हें कुछ अंदाजा है मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं? सब गड़बड़ हो गया, मारियो भाग गया। तुम तो ऐसा मत कहो फ्रांसिस। देखो बात यह है कि उनमें से एक बाउंटी हंटर बिल्कुल आखिरी वक्त पर पलट गया। सब गड़बड़ हो गया, उस लड़की ने सारी बात बिगाड़ दी। रकम मेरे पास ही है लेकिन मारियो उनके पास है। अच्छी खबर यह है कि मैंने उस लड़की की जो हालत की है उससे वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे उस रकम की फिक्र है तो तुम्हें हालात का जरा भी अंदाजा नहीं है। अगर हमारे धंधे में किसी को भी पता चला कि मारियो को हम पकड़ सकते थे लेकिन हमने वो मौका हाथ से जाने दिया तो सोचो क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे। क्या बात है फ्रांसिस, क्या तुम किसी लड़की के साथ मजे कर रहे हो? काश ऐसा होता पर ऐसा है नहीं। ए, तेरा दोस्त घायल है, मुंह बंद रखो अपना। ए, इसका खून बहता ही जा रहा है। आखिर वहां हो क्या रहा है फ्रांसिस? एक सेकंड रुको, हॉल। Sorry about that, boss. आखिर बात है क्या फ्रांसिस? मुझे गोली लगी है, बस पट्टी लगा रहा हूं। सुनो, उन लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मेरे सेलफोन पर भेज दो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। जैसा तुम कहो, पर इतना टाइम है नहीं। फ्रांसिस, मैंने कहा वापस आ जाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। चल बाहर निकल। अब जल्दी से भौंक, वो कौन था जिसने जूल्स की ऐसी हालत? फ्रांसिस हाल का राइट हैंड, वो एक सिर फिर आदमी है। मुझे बताओ कि तुम्हें लेने के लिए वहां सिर्फ एक ही आदमी क्यों आया? क्योंकि फ्रांसिस अकेला 10 के बराबर है और वैसे भी हाल ये चुपचाप करना चाहेगा। एक गैंग लीडर ने अपने शूटर को हमारे पीछे लगाया है तो हमने तुम्हें ढूंढ निकाला और इस वक्त तुम हमारे वैन में हो, इसका मतलब तुम मारे जाओगे। हाँ? तो फिर सोचना क्या है, इसे बड़ी इज्जत से हॉल के हवाले कर देते हैं और फिर $10,00,000 भी हमें मिल जाएंगे। क्या करना चाहते हो? इंतजार। तूने सुना, चल वैन के अंदर। आराम से चल अंदर। यस आई एम सॉरी, यस आई एम वेरी सॉरी माई डियर। मैं तुम सही कह रही हो, गलती मेरी ही थी। तुम एक हफ्ता और इटली में रह सकती हो। हाँ, आई लव यू टू। तुम्हारी बीवी?
वो एक हफ्ता और इटली में रहेगी अपने दोस्तों के साथ। तुम्हें पता है इटली में शूज की क्या कीमत है? इटालियन शूज की कीमत यहां से ज्यादा वहां पर है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हें डीकन याद है और उसकी साथी रूबी? कॉम्पिटिशन? नहीं फ्रांसिस, रिप्लेसमेंट्स। टाइम क्या हुआ? मुझे नहीं पता, या तो बहुत जल्दी है या फिर बहुत लेट। अपने नजरिए पर डिपेंड करता है। क्यों? काफी देर हो चुकी है, हॉस्पिटल से कॉल आ जाना चाहिए था। तुम्हें लगता है हॉल से टकराए बिना हम इसमें से बाहर निकल पाएंगे? शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तुम उन दोनों पर नजर रखो, मैं उसे वैन में देखता हूं। ऑफिसर, इवनिंग ऑफिसर, कॉफी लेंगे आप? ओके, जरूरत पड़े तो बुला लेना। मैं टॉयलेट जाकर आता हूं। गुड इवनिंग ऑफिसर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? तुम्हारी वैन है? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम? मैंने अंदर से कुछ आवाजें सुनी थी। जेल से भागे कैदी है, हम उसे लॉकअप में ले जा रहे हैं। देखो, मैं अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, हम इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। तो उसे जेल पहुंचाओगे? हाँ बिल्कुल, यही हमारा काम है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि बॉस इसकी मौत चाहता है। चाबी इधर दो। नहीं दे सकता, चाबियां मेरे पार्टनर के पास अंदर है। इसके दोस्त से चाबियां लेकर आओ। एक बात बताओ रिडली, इस हॉट एशियन पुलिस वाली की प्रॉब्लम क्या है? शी इज ऑसम। तुम्हें पता है कि मुझे एशियंस लड़कियां पसंद है, वो भी पुलिस यूनिफॉर्म में। ऐसी हालत में कुछ भी करना कितना मुश्किल हो जाता है। सॉरी अबाउट दैट ऑफिसर, आप शायद गलत जगह पर आई हैं। ये मेंस टॉयलेट है और ऑब्वियसली आप तो मर्द हैं नहीं, आप तो एक सॉलिड पुलिस वाली हैं। ओके, देखिए लेडीज बाथरूम उस तरफ है, तो चाबी वापस कर। ओ, ये बात है, कराटे आते हैं तुझे? हाँ, ये देख मेरा पोपट, आप चाबी वापस दे। हाँ
देख डंडा मैं भी निकाल सकता हूँ। तो मैं ये मान लूँ कि तुम पुलिस फोर्स में नहीं हो। चल अब आराम कर। सबको पता है मेरे आगे कोई लड़की नहीं टिकती। मजा आ गया। बॉस उसे ले जा दिया। संभाल कर। Guys, sink my rope. Why are you bombing? तुम ठीक तो हो ना? Yes, boss. हाथ नीचे करो. Let's go. Okay. ओके मारियो, ये दोनों कौन थे? रूबी और डीकन। मैंने उन दोनों को परसों से नहीं देखा। हाल उन्हें सिर्फ तब याद करता है जब कोई काम बड़े चुपचाप करना होता है। हाँ वो लड़की काफी स्मार्ट थी। ये बुरी खबर है। मैं मैं तो मारा जाऊंगा पर तुम दोनों अब तुम दोनों भी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। नहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम अब लॉकअप जा रहे हो, फिर पुलिस हॉल का जीना हराम कर देगी। मुझे लॉकअप भेजोगे तो हाल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारियो बहुत हो चुका, पुलिस स्टेशन सामने है। वहां पहुंचना भी तो है। देख बकबक करके मेरा दिमाग खराब मत कर। तू वहां बंद है क्योंकि तेरी करतूत ही ऐसी है। तू अपना मुंह बंद रख और हमें काम करने दे। यस बॉस, मारियो को पकड़ने से पहले पुलिस वहां आ गई थी। ये रूबी को क्या हुआ है? उसके पैर में चोट लगी है। शी इज फाइन। हाथ से निकल गया इस बार। वो कह क्या रही है? थोड़ा नाराज है, हिसाब चुकता करना चाहती है। ओके, अब वक्त है प्लान बी का। चलो अभी। मैं तुम्हारे सेल पर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजूंगा। उसे मारने चलो। रूबी जरूर उसका बढ़िया इस्तेमाल करेगी। यस सर। हॉस्पिटल से फोन है? वही प्राइवेट नंबर। आ शिट, अब हम मुसीबत में हैं। हेलो। पता है पुराने जमाने में अपनी जबान से मुकर जाना एक बड़ा जुर्म माना जाता था। हाँ अब तो जमाना बदल गया है। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो पर अब मेरा कहना मानो और अपनी वैन में बैठकर वहां स्टेशन से दूर निकल जाओ। फॉरन। क्या तुम्हें कैसे पता कि हम कहां हैं? मेरे लिए ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो डिवाइस तुम अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हो उससे मैंने तुम्हें ट्रेस कर लिया और इस तरह मुझे पता चल गया कि तुम कौन से बिल में छुपे हो। है ना ये चीजें कमाल की। और मेरी कार में एक लेडी की आवाज मुझे गाइड करती है कि मुझे कहाँ लेफ्ट लेना है और कहाँ राइट लेना है। यही फीचर अगर तुम्हारी वैन में होता तो लेडी की आवाज तुमसे कहती कि मारियो को मेरे हवाले कर दो। बहुत हो चुका हॉल, बस एक मिनट के अंदर मारियो पुलिस स्टेशन में होगा, समझे तुम? हाँ लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दोगे जब मैं उससे कहूंगा कि तुम चाहते तो उसकी जान बचा सकते थे? उससे दूर रहो हॉल, मैं तुमसे कह देता हूँ उसे हाथ भी लगाया तो तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मारियो को मेरे हवाले कर। थाड़ में जाओ। चलो हॉस्पिटल चलो। हाय मुझे एक पेशेंट की खैरियत जाननी है। जूल्स टेलर, उसे आज रात एडमिट किया गया था। आप ही ने उसे कुछ देर पहले एडमिट करवाया था? हाँ मैं ही था वो। प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए, इट्स अ सीरियस इशू। प्लीज होल्ड। क्या कह रहा है वो? होल्ड करने को कहा है। रहने दो, हम बस वहां पहुंच ही गए।
रिडली वो लोग एम्बुलेंस में, गो गो गो। जूल्स जल्दी करो, चलो चलो। Come on, go on, fast! Jaldi, jaldi, jaldi! Main saalon ko chhodunga nahi! Unke saath saath chalo! Nazdeek pahunch raha hu, wait! मैंने कहा गाड़ी रोको, फौरन आते कंकर और खोपड़ी उड़ाओ साले की। गाड़ी रोको मैंने कहा। जूल्स, बस उसे कुछ ना हो। नहीं, ओ, नहीं। क्रैप। बहुत बुरा हुआ। ये सब मेरी गलती है। जूल्स को इसमें नहीं डालना चाहिए था। वो जानती थी कि ये सब गलत है। तुम्हारी गलती नहीं है। बिल्कुल है, मेरी ही गलती है। मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे अकल से काम लेना चाहिए था। मैं बॉस हूं। जूल्स, गेस करो कहां है वो। वो फिलहाल तो यहां नहीं है, पर कुछ ही मिनटों की बात है, वो आ जाएगी। बोलो करना क्या है। इस बार तुम मेरी बात सुनो। हम मारियो का सौदा तुम्हारी दोस्त के बदले करेंगे। कहाँ? मेरा एक वेयर हाउस है, मारियो जानता है। वो शहर के बाहर हाईवे के पास है। उस जगह को ढूंढने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। एक घंटे में मुझे मारियो के साथ वहां मिलो। आने में देर हुई तो लड़की की लाश ले जाना। प्लीज गाइस, मुझे उनके पास मत ले जाओ, वो मुझे मार देंगे। शट अप। वो तुम्हें भी मार देंगे। बकवास बंद करो। बात तो सही है रिडली, अगर वहां गए तो वो हमें भी मार देगा। तो तुम क्या चाहते हो, क्या करें? जूल्स को मरने के लिए छोड़ दो और $1,00,000 लेकर चले जाएं? मेरा मतलब ये नहीं तो है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं बस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चेस,
अगर जूल्स को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करना है? मेरे पास एक प्लान है। शायद हम सब इस पचड़े से निकल सकते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता। प्लान कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पूरी तरह से सोचा नहीं है, लेकिन हम जूल्स को जरूर बचाएंगे, और अगर मारियो बच गया तो एक बोनस होगा। ए, मुझे यह प्लान पसंद नहीं। मुंह बंद कर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दोस्त स्मार्ट बन के दिखाएंगे। वक्त आने पर वो स्मार्ट हो जाएंगे। समझो, वो वक्त आ गया है। मेरे दोस्त तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। क्या बात है, तुम मुझे डरा रही हो? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी तक दुआ मांग रही होती, जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे दोस्त जल्दी आ जाए तो अच्छा है। गन किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारा मारियो चाहिए या नहीं? मेरी चिंता मत करो डियर, मारियो तो मुझे मिल ही जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? चलो आगे। अब तुम हाथ पीछे रख अपना। छमिया वाला थप्पड़ था, एक बार हाथ खुल जाने दे, फिर बताऊंगी असली थप्पड़ क्या होता है। Come on, चलो। अब ये लड़ना बंद करो और चुपचाप चलो। वाह क्या बात है, वैन से उतरो मारियो। देखो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, बस जब तक जूल सेफ ना हो तब तक इसे यूज मत करना। हाँ हाँ हाँ, और हम पर यूज मत करना। ठीक है, अब जाओ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मारियो, बहुत अच्छा। शट अप हॉल। ओ, पुराने दोस्तों से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम मेरी मौत चाहते हो, इसलिए दोस्ती की बात मत करो, तुम समझे? ओके, अब चुप करो। मैं तुम्हारी दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहता था, but let's do it। तो तुम सौदा पूरा करना चाहते हो? गुड मैन। जूल्स, तुम ठीक हो? इसकी हथकड़ी खोल दो तुम। ओ, मैं ऐसा नहीं करता। ऑल राइट मारियो, यहां पर आ जाओ। मैंने पुलिस से कोई बात नहीं की हॉल, कसम से मैंने कुछ नहीं बताया। वो सब छोड़ो अब तुम, फ्रांसिस दो चार दिन में तुमसे सब कुछ उगलवा लेगा। अब बकवास बंद करो और मेरे पास आ जाओ। झुक जाओ। अरे नहीं। ओके, मैं हाल को पकड़ता हूँ, तुम दूसरे के पीछे जाओ। और जूस का क्या? उस लड़की को वो संभाल लेगी। और मारियो? वो अकेला रहेगा, हमने उसके लिए बहुत कुछ कर लिया, अब जाओ। Yeah!
मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। से पंगा चल उठ उठ। तुझे मारने को नहीं प्यार करने को दिल करता है, पर क्या करूं, मारना तो पड़ेगा ही। नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा मारियो। अब बस करो, कम ऑन। गन नीचे रखो मारियो, तुम बाहर आ सकते हो। इट्स ओके। तुम्हारे दोस्त ठीक हैं? जोल्स, चेस, ठीक हो तुम लोग? हाँ ठीक है। ओ गॉड चीज, तुम ठीक हो? नहीं ठीक नहीं है। चीज को कुछ हुआ तो तुम भी मरोगे शायद, पर शायद नहीं। बहुत सही वक्त पर आए हो फ्रांसिस। मारियो, मैंने तुम्हारी दोस्त से पहले भी कहा था, ये मेरी पहली लड़ाई नहीं है। मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं इस खेल का। हाँ मैं देख तो रहा हूं। ये फ्रांसिस, ये मेरा बैकअप है और उसके हाथ में है मेरा इंश्योरेंस। हाँ तो उसमें $10,00,000 है। मैं अब भी तुम्हें वो रकम दे सकता हूं। बिल्कुल नहीं, हमें पता है तुम उसे मार दोगे। कम ऑन, अपने आसपास देखो, चार लोग हैं यहाँ, एक दूसरे पर गन तान कर खड़े हैं और तुम्हारा दोस्त बस मरने ही वाला है। और ये हसीना, इसके सर पर मेरी गन रखी है। अब या तो हम सब शूट करेंगे और यहाँ हम में से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा, या फिर तुम स्मार्ट बनो, पैसे ले लो और मारियो को मेरे हवाले कर दो। मैंने कहा ना मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। क्या कहा? बैग मुझे दे दो फ्रांसिस। तुम कर क्या रहे हो?
मैं या तो जाऊंगा जेल या मारा जाऊंगा, इसलिए मैं यहां से निकलूंगा नोटों से भरा वो बैग लेकर, ताकि तुम लोग एक दूसरे को खत्म करो। मैं ऐसा ही करूंगा। मारियो, बैग को छुआ तो समझो लड़की गई। आगे बढ़ो और गोली मार दो लड़की को। मैं सच कह रहा हूं मारियो, मैं इसे गोली मार दूंगा। और अगर फ्रांसिस ने मुझे बैग नहीं दिया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। मारियो, तुम मामले को उलझा रहे हो। फ्रांसिस, अगर तुम मुझे वो बैग नहीं दोगे तो मैं इस गन की हर बुलेट तुम्हारे सीने में दाग दूंगा। प्लीज, ये जूस को शूट कर देगा, नहीं कर सकते हो तुम ऐसा। वॉच मी। ब्लैंक्स, आई एम सॉरी। आई एम नॉट। तुम लोगों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब क्या कहते हो? बहुत आसान है, तुम पैसे रख लो और मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे मंजूर नहीं है। कम ऑन। ओके, मैं इस लड़की को शूट करूंगा और फिर इसकी बॉडी को ढाल बनाकर अपनी कार तक पहुंच जाऊंगा। ये कैसी रहेगी? तुम गन को नीचे जमीन पर रखोगे और हम तुम्हें जेल लेकर जाएंगे। इस मेरा क्या फायदा? जिंदा रह पाओगे। अगर मैं जेल गया तो सब फिनिश। फिनिश? फिनिशिंग मूव। क्या कहा? हाँ, मैंने कहा फिनिशिंग मूव। चेस, तुम्हें पता है ना? मुझे पसंद है फिनिशिंग मूव। हर किसी को फिनिशिंग मूव पसंद है। नाउ। जूल्स, तुम देखो ना, फिनिशिंग मूव। हाँ, कहा था ना फिनिशिंग मूव पसंद है। ये क्या कर रहे हो यार? मैं यहां पर मर रहा हूं। ये सब बाद में कर लेना, बचाओ मुझे। अरे नहीं, इट्स ओवर। सर, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ, फैंटास्टिक। तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा क्या? कमीने गैंगस्टर्स। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 लाख रुपए एक दिन के काम के लिए, नॉट बैड। नॉट बैड एट ऑल। बेल एनफोर्समेंट एजेंट्स, दरवाजा खोलो। देखो, अगर इसने दरवाजा नहीं खोला तो हम जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। ओके? ओके, ठीक है। अरे, ये तो तुम्हारी लात से खुला ही नहीं। ये खुलना चाहिए था ना? फ्रेंच फ्राइज खाओगी? सॉरी। ये गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा है? गाड़ी को धीरे कर। पीटर वॉलेस, बेल एनफोर्समेंट एजेंट्स, बाहर आ जाओ। पीटर वॉलेस।
निकल यहाँ से बाहर। पहले तो मेरी पीठ पर से हटो। ओह देखो यहाँ कौन आया, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। लेकिन आप यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे लगता है टेक टू करना पड़ेगा। मेरी गलती है, देखिए मैं माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप इस वॉशरूम में हैं। ऑफिसर देखिए हम इस सीन को दोबारा कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आप मेरे साथ कहीं बाहर चले, फिर मैं आपको अपने पसंदीदा डोनट्स खिलाऊंगा और हो सकता है कि वो आपको पसंद भी आए। देखिए डोनट्स खाने का दरअसल मन है तो मेरा, लेकिन ओके तो वो आपने सुन लिया। देखिए मैं उसको वापस नहीं लूंगा और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने वैसा नहीं कहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डेट पर चलें और फिर हम दोनों गो कार्टिंग करेंगे, गोल्फ खेलेंगे या फिर चाइनीज या फिर जापानीज खाना या फिर जो भी आपको पसंद हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खाना पसंद है और आप भी पसंद हो, तो इसीलिए आप मेरे साथ डेट पर चलो। हम दोनों पुलिस वाले हैं, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ये गाड़ी में ट्यूबलाइट की जरूरत किसको पड़ गई? ठीक है मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी टॉयगन नीचे रखो और बाहर आ जाओ। टॉयगन? आपको कौन चाहिए, एक आदमी या फिर औरत? औरत? आदमी? नहीं औरत। देखिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे लड़के की आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही मैडम। परेशान है बेचारा। और सबसे जरूरी बात, वो खूबसूरत हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं उससे बात करूं तो पिछली बार की तरह लोग मुझ पर हंसे। हाँ, बहुत सीरियस है। मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ सच में। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जब मैं उससे बात करूंगा तब मेरे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा, ठीक है? तो बोलो फिर। बोलो। समझ लिया सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन चाहिए, एक आदमी या फिर औरत? कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी, वो भी दो। हाँ देखो जो भी एक है मेरे साथ। बहुत अच्छे, कॉफी पे चलोगी? वेलकम टू द लाउंज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप मेरे लिए ये कर सकती हैं कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का हूँ जिसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलवाएं। 3 शॉट विस्की के, जिसमें से एक मैं पीऊंगा और ये पियेंगी दो। विस्की बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, उसमें आइस होनी चाहिए और मैं उसे स्ट्रॉ से पीऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे अपने कपड़ों पर गिरा लूं। शॉट एक साथ नहीं चाहिए, पहले पहला उसके बाद दूसरा, और उसके बाद तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओगी जिसके बारे में तुम मुझसे कह रहे थे, क्योंकि मैं एक खतरनाक आदमी हूँ, पूछ लो इससे। हाँ बिल्कुल। अपनी तारीफ में मैं माहिर हूं। ओके। तो फिर आपको कौन चाहिए, एक आदमी या फिर औरत? मुझे एक आदमी चाहिए और इसे एक औरत चाहिए। या? और आप तुम चाहो तो तुम भी बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। Are you ready? तुम मुझसे इंप्रेस हो? Wow. ये देखो, ये शोल्डर, ये बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स। Oh wow, this is so brilliant. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी बातें कह सकते हो। मैं तो हमेशा ही अपनी तारीफ करता हूँ। So funny, wow. आज तो मजा आ गया। Thank you. इसकी बढ़िया थी। Thanks. Thank you. Bye bye.